हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप ड्रीम 11 ऐप से पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक में या फिर UPI ID में। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप ड्रीम 11 ऐप का यूज़ करते हैं और आपने ड्रीम 11 ऐप से पैसे कमाए हैं और आप उन पैसों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बैंक में या फिर UPI ID में, तो आप पहले इस वीडियो को कम्प्लीट देखें। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र करने चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ड्रीम 11 के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि आप यहां पर ड्रीम 11 में अपनी UPI ID को किस तरह से वेरीफाई कराएंगे और बैंक को किस तरह से वेरीफाई कराएंगे और अपने पैन कार्ड को किस तरह से वेरीफाई कराएंगे, ये सभी जानकारी आपको डिटेल्स के साथ इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाए। तो अब चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 से पैसे कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको ड्रीम 11 ऐप को अपने मोबाइल फोन में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने जो इसका इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का शो यहाँ पर हो जाएगा। पैसे यहाँ से अपने बैंक में या फिर UPI में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्लिक करना होता है प्रोफाइल वाले आइकन पे। नीचे आपके सामने ऑप्शन शो हो जाता है माय बैलेंस का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल बैलेंस, जो आपके ड्रीम 11 में टोटल बैलेंस आपका होगा वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। और नीचे आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं, एक आता है अमाउंट एड का, एक आता है विनिंग का, एक आता है कैश बोनस का। जो आपको यहाँ पर कैश बोनस मिलता है वो कैश बोनस में आकर शो हो जाएगा। कैश बोनस को आप यहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। कैश बोनस का जो आपका अमाउंट होता है वो धीरे धीरे यूज़ होता है जब आप किसी मैच में ज्वाइन होते हैं। और आगे आपके सामने ऑप्शन है विनिंग का, विनिंग में जो आपका अमाउंट रहेगा उसे ही आप अपने बैंक में एंड UPI में ट्रांसफ़र यहां से कर सकते हैं। और ऊपर आपके सामने ऑप्शन आता है अमाउंट एड का, यहां पर आपका वो अमाउंट होता है जो आपने अपने पास से इस ड्रीम 11 ऐप में एड करा है। तो अब बात कर लेते हैं पैसे यहाँ से हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं UPI में एंड बैंक अकाउंट में। उसके लिए आपको क्लिक करना होता है वेरीफाई टू विड्रॉ पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। ऊपर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो हो जाएगी, तो ये दोनों अभी के टाइम में हमारी वेरीफाई है। अभी यहाँ पर पैन कार्ड हमें वेरीफाई करना है, उसके बाद ही पैसे हम यहाँ से विड्रॉल कर पाएंगे। तो पैन कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपको क्लिक करना है वेरीफाई पे। यहाँ पर आपको एंटर करना है अपना नेम जो आपके पैन कार्ड पे है। नीचे आपको पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। नीचे लिखा हुआ है अपलोड पैन प्रूफ, तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड का फ्रंट पेज का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट डिटेल्स पे और आपका पैन कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। तो सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ चुका है पैन कार्ड इन रिव्यू, तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम का वेट करना होता है। नीचे आपके सामने अब दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है UPI का, एक आता है बैंक अकाउंट का। अब आपको सिलेक्ट करना है कि पैसे आपको UPI में विड्रॉल करने हैं या फिर बैंक अकाउंट में विड्रॉल करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसे UPI में विड्रॉल करने हैं तो आप क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है, उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और आपकी UPI ID यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप उन पैसों को अपनी UPI में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर अपनी UPI ID को भी वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UPI ID हमने यहाँ पर ऐड कर दी है और ये यहाँ पर अभी रिव्यू में है, कुछ मिनट का टाइम यहाँ पर लग सकता है। आगे आपके सामने ऑप्शन आता है वेरीफाई बैंक का, अगर आप चाहते हैं जो पैसा आप कमाते हैं उन्हें अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना तो आप क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एंटर करना है बैंक अकाउंट नंबर, नीचे आपको बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है। उसके बाद नीचे आप अपना IFSC कोड एंटर करेंगे, नीचे आपको बैंक नेम और ब्रांच नेम और स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आप क्लिक करेंगे सबमिट डिटेल्स पे और ये भी यहाँ पर रिव्यू में चला जाएगा और ये भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो भी पैसा आप कमाएंगे उन्हें आप यहाँ से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो अब हमें सिंपल यहाँ से पे कर लेना है। यहाँ से पे करने के बाद अब रिटर्न हम क्लिक करेंगे वेरीफाई टू विड्रॉ पे। यहाँ पर क्लिक कर हमें चेक करना होता है कि ये सब हमारा वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर ये सब आपका वेरीफाई हो जाता है तो आपके सामने विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको अपना अमाउंट एंटर करना है और विड्रॉल पे क्लिक कर पैसे यहाँ से विड्रॉल कर लेने हैं। इस तरह से दोस्तों आप ड्रीम अलेवन ऐप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक में या फिर UPI में। और नीचे आपके सामने ऑप्शन भी आता है माई ट्रांजेक्शंस का, तो यहाँ पर आप क्लिक कर अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। जैसे कि जो आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे, जो आपने विड्रॉल लगाए हैं वो भी आपके सामने शो हो जाएंगे, जो सक्सेस हो गए हैं, इन प्रोसेस है, फेल्ड हो गए हैं, रिफंड हो गए हैं, वो सब आपके सामने यहाँ पर ही शो हो जाते हैं। आगे डिपॉजिट का ऑप्शन भी है, यहाँ पर आप डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, जो पैसे आपने यहाँ पर अपने पास से एड करे हैं, जो फेल्ड हो गए हैं, जो प्रोसेस में है, वो सब आप यहाँ पर ही चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने दोस्तों आपको इस वीडियो में ड्रीम अलेवन के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है कि किस तरह से आप पैसे यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक एंड UPI में। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आप चाहते हैं माई अलेवन सर्कल ऐप को यूज़ करना, माई अलेवन सर्कल ऐप पर टीम बनाकर पैसे कमाना, तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाकर रखी है, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।